गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो मैं राइड करूंगा ये कुछ अलग टाइप का एक राइड करूंगा। इस राइड पे मैंने नेपाल में एंट्री किया पायटंगी नेपाल बॉर्डर से, और जो मैं एग्जिट करूंगा ये पशुपति और इंडिया का जो बॉर्डर है उस बॉर्डर से, और जाते हुए जो ब्यूटीफुल सा प्लेस विजिट करूंगा वो भी मैं इस वीडियो में आपको वॉच कराऊंगा। पहले तो मैं जाऊंगा कन्याम, जो वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट स्पॉट ऑफ नेपाल का है, और यहाँ से जैसे पायटंगी से जो कन्याम का डिस्टेंस है ये 48 किलोमीटर, और कन्याम से मैं जाऊंगा पशुपति कन्याम से पशुपति का जो डिस्टेंस है ये ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर। तो ये जो रूट है ये पूरा नेपाल के अंदर से जाऊंगा, और पशुपति में जो इंडिया बॉर्डर है उस बॉर्डर से मैं इंडिया में एंट्री कर। आज जो मैं टोटल डिस्टेंस राइड करूंगा ये 150 to 160 किलोमीटर मैं राइड करूंगा, क्योंकि ये पूरा घूम के आना पड़ेगा। तो नेपाल पे बाइक राइड करने के लिए या बाइक से ट्रिप करने के लिए पहले तो परमिट लेना पड़ेगा, लेकिन परमिट ऑफिस में जब मैं गया वहाँ पे वीडियो अलाउ नहीं था, इसी कारण से परमिट ऑफिस का मैं वीडियो नहीं ले पाया। और एक चीज है, अगर आप नेपाल के एक बॉर्डर से लेके कुछ अलग सा बॉर्डर में आप क्रॉस करोगे तो इसके लिए एक रोड परमिट भी जरूरत होता है, जो मैंने नहीं किया। इसके लिए मुझे फाइन देना पड़ा 200 रुपीज। एक्चुअली वो फाइन नहीं था, वो एक ब्रेवरी था, लेकिन जो एक्चुअली रोड टैक्स है इसके लिए उस वहाँ पे जो पुलिस था नेपाल का उसने बोला कि 600 रुपीज का एक परमिट होता है वो कटना पड़ता है, लेकिन मेरा उसके लिए फाइन लग गया 200 रुपीज। मैं जिस रूट पे जा रहा हूँ ये पहले तो मैं काकोरविटा क्रॉस किया, उसके बाद धुलाबारी, और धुलाबारी क्रॉस करने के बाद एक मोर होता है जिसका नाम है चारिली। मोर से राइट साइड में जो रास्ता चला गया उस रास्ते से जाना पड़ता है कन्नम के लिए, और कन्नम से जो रास्ता सीधा निकल जाता है वो सीधा जाएगा पशुपति। और भी कुछ नेपाल का प्लेस है लेकिन वो मुझे अभी पता नहीं क्योंकि मैं उस रास्ते में नहीं गया हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊंगा तो वहां पे जाऊंगा। एक्चुअली वहां पे और एक प्लेस है इलाम, तो वो शायद नेक्स्ट टाइम मैं उस प्लेस में जाऊंगा। और सामने का नजर बहुत ब्यूटीफुल से नजर है, और यहाँ का जो व्यू है ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ पे आप जब आओगे बहुत ही अच्छा लगेगा, और एक्चुअली मुझे भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये जो रास्ते है ये रास्ते पर राइड करने का कुछ अलग सा फील होता है। वैसे तो मैं हिल का बहुत सारे रास्ते पर राइड किया, जैसे दार्जिलिंग, सिक्किम और डुबोक्सा जयंती डुवर्स, ये सब रास्ते में मैंने बहुत राइड किया, लेकिन ये जो रास्ते यहाँ पर राइड करने का एक अलग सा फील होते हैं, क्योंकि ये रास्ते इतना भीड़ नहीं है जितना दार्जिलिंग में। आप जब राइड करोगे दार्जिलिंग या कर्सियंग के उस रूट पे आप जाओगे इतना जाम लगता है, इतना भीड़ लगता है कि राइड करने का जो असली मजा है वो नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो असली मजा है ये मिल रहा है। और रास्ता पूरा फाका है और इतना चौड़ा होने के कारण जो गाड़ी आता है जाता है इसमें बहुत सारा स्पेस मिल जाता है, और राइड करने का कुछ अलग सा फील आ जाते हैं। मैं ऑलरेडी पातिपोरा क्रॉस कर चुका हूँ, और यह से जो कन्नम का डिस्टेंस है ये बहुत ही नजदीक है, और एक्चुअली मैं बहुत ही नजदीक आ गया हूँ कन्नम का। यह से सामने का जो हिल दिखाई दे रहा है ये कन्नम के आगे का हिल है, और ये हिल क्रॉस करने के बाद आ जाएगा कन्नम। और ये बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है जो नेपाल के बहुत ही नजदीक है, और यह सब बहुत सारा प्लेस है, जैसे नेपाल में बहुत सारा प्लेस है जैसे हैप्पीलैंड पार्क है, इलाम है, कन्याम है, पशुपति है, और भी बहुत सारा प्लेस है जो टूरिस्ट के लिए बहुत ही फेमस, जो इंडिया से बहुत नजदीक होते हैं। और यह सब संदकफू भी जा सकते हो, लेकिन संदकफू जाने वाले का रास्ता बहुत ही खराब है मैंने सुना है, वो अभी तक गया नहीं, लेकिन मेरा नेक्स्ट जो प्लान है वो सोच रहा हूँ कि नेपाल होके जाऊंगा। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज, अगर आप नेपाल विजिट करने जा रहे हो, नेपाल में जा रहे हो राइट, आपका खुद का पर्सनल बाइक या कार से ले जा रहे हो, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानना चाहिए। मैंने यहाँ पे एक पर्सन से सुना है कि अगर आप नेपाल में जाते हो तो कभी एक्सीडेंट मत करना, ऐसा रफ राइड मत करना, क्योंकि यहाँ पे जो रूल रेगुलेशन है एक्सीडेंट का बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि अगर आप कोई पर्सन का एक्सीडेंट करते हो तो उसका जो ट्रीटमेंट का खर्च पूरा आपको देना पड़ेगा, और जितने दिन वो मेडिकल में रहेगा, जितने दिन वो ट्रीटमेंट के अंदर रहेगा उतने दिन उसको फैमिली को आपको चलाना पड़ेगा। अगर वो परमानेंट डिसेबल हो जाते हैं तो जिंदगी भर पूरा लाइफ तक उसका फैमिली को संभालना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन है, तो अगर आप राइड करते हो तो आप ये चीज़
ख्याल रखना। और फाइनली मैं आ गया हूँ कन्नम में, और यहाँ पे पार्क करके मैं जो आसपास का नजारा है और यहाँ का जो मॉल है वो आपको मैं दिखाऊंगा। यह है कन्नम का व्यू पॉइंट जो मैं वाइट एंगल कैमरा से लिया है। तो वाइट एंगल कैमरा से लेने से किया कि ये आसपास का जो नजर है ये बहुत अच्छे से कैप्चर कर लेते हैं। तो ये यहाँ का जो माहौल है ये आप देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक अलग सा माहौल है। यहाँ पे आके कुछ अलग सा कन्नम में दो तीन पॉइंट है जहाँ से कन्नम का जो व्यू है वो बहुत अच्छा दिखाई देते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल जो सीनरी है वो दिखाई देते हैं। जैसे मैं अभी कुछ टाइम पहले क्रॉस करके आया है जहाँ पे लिखा था आई लव कन्नम, वहाँ से एक अलग सा व्यू है। और ये है कन्नम का मार्केट एक, और ये जो मार्केट है यहाँ पे आपका जो यहाँ का लोकल टी ये अवेलेबल है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा बहुत ही लो प्राइस में। क्योंकि इसके पहले मैं जब आया था तब मैं यहाँ से खरीद के ले गया था और उसका जो क्वालिटी था बहुत ही बढ़िया था। और यहाँ पे आसपास होटल भी है, और नीचे जो है ये अगर आप यहाँ पे स्टे करना चाहते हो नीचे बहुत सारा होम स्टे भी है, तो वहाँ पे आप स्टे कर सकते हो। तो अभी फिलहाल जो सामने वाला हिल है उस पॉइंट में जाके जो सामने का नजर है जो व्यू है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा लगता है। यहाँ पे टी गार्डन में बहुत सारा पर्सन आया है फोटो खींचने के लिए, और सामने इसको देख के ऐसा लग रहा है कि इस फोटो खींचते खींचते इसका नींद आ गया और ये चला गया। तो ये देखो सामने का जो व्यू है, और सब लोग यहाँ पर फोटो खींचने में बिजी है क्योंकि इतना ब्यूटीफुल सा प्लेस तो कोई मिस नहीं करता इस प्लेस को। मैं इस रास्ते से ऊपर चढ़ाई करूंगा, और ऊपर से ये जो ऊपर का पॉइंट है इस पॉइंट से जो कन्नम है ये कन्नम का पूरा सिटी क्लियर दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे जाके मैं कुछ फोटो खींचा वीडियो खींचा, तो ये देखो आपका जो कन्नम है ये है कन्नम का पूरा व्यू। तो कैसे लग रहा है ये प्लेस आप जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और इसका ऑपोजिट साइड में भी जो व्यू है ये बहुत ही बढ़िया व्यू है। जैसे ये जो व्यू है ये एक ऑपोजिट साइड का व्यू है जो जिस पॉइंट में मैं खड़ा था उस पॉइंट से ऑपोजिट साइड का, तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया एक व्यू देते हैं। तो आप देख सकते हो कि इधर कितना पर्सन टूर करने के लिए आया है, और यहाँ पे जो टी गार्डन है टी गार्डन को इंजॉय कर रहा है। कन्नम में इंजॉय करने के बाद यहाँ का जो व्यू लेने के बाद अभी मैं जा रहा हूँ पशुपति। पशुपति में जो बॉर्डर है वो बॉर्डर से मैं एग्जिट करूंगा इंडिया, और इंडिया में एंट्री करूंगा। ये है पशुपति मार्केट, और पशुपति मार्केट के इधर से ही एक रास्ता निकलता है, और यहाँ पे एक पुलिस चौकी भी है, और यहाँ पे पुलिस ने मुझे रोक लिया। देखते हैं कि क्या बोलते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे क्योंकि शायद पेपर चेक करेगा। तो पेपर चेक करने के बाद मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। ये यहाँ पे वेस्ट बंगाल पुलिस भी है और नेपाल पुलिस भी है। फाइनली मैं इंडिया में एंट्री कर लिया। एक चीज है कि अगर आप नेपाल में एंट्री करते हो एक पॉइंट से और एग्जिट करते हो एक पॉइंट से, तो और एक पेपर है जो रोड टैक्स बोलते हैं वो आपको काटना पड़ेगा। क्योंकि मैंने वो जो रोड टैक्स पेपर है ये नहीं काटा है, इसके कारण से मुझे फाइन लग गया। एक्चुअली फाइन मैं नहीं दिया, तो वहाँ पे कुछ सेटलमेंट किया जो नेपाल का पुलिस है नेपाल के पुलिस के साथ। तो उसने पहले मांगा था 600 रुपीज क्योंकि मैं रोड परमिट नहीं किया था, और मैं उसके साथ बात किया थोड़ा, वो बोला कि थोड़ा कम सम करके ले लीजिए।
तो उसके बाद उसने बोला कि ठीक है 200 रुपीज़ दीजिए, तो 200 रुपीज़ मुझे ऐसे एक ब्रेवरी देना पड़ा वहाँ पे एग्जिट करने के लिए, नहीं तो शायद कुछ और ज़्यादा फाइन लगा देता। तो कोई बात नहीं, अगर आप पहली बार जाते हो तो ये रोड टैक्स आप जरूर करना, क्योंकि वो मुझे पता नहीं था कि रोड टैक्स भी लगता है। अभी मैं पशुपति से जो रास्ता लेपचा जगत की तरफ जाता है उस रास्ते से थोड़ा आगे जा रहा हूँ, वहाँ का जो व्यू है ये व्यू मुझे अच्छा लगा, तो मैं सोचा कि चलो देख के आते हैं आगे क्या है और ये जो प्लेस है इस प्लेस का एंजॉय लेते हैं। आज का जो ट्रिप था ये अच्छा बुरा दोनों मिला के था, बहुत एक्सपीरियंस भी हुआ और यहाँ का लॉ रेगुलेशन जो नेपाल का उसके बारे में थोड़ा नॉलेज भी हुआ, तो सब मिला के एक अच्छा सा एक पैकेज आज का जो ट्रिप था। और यहाँ से कुछ फोटो वीडियो खींच के निकल जाएंगे घर के लिए, तो नेक्स्ट मिलते हैं और एक वीडियो के साथ। टेक केयर एंड गुड बाय एंड स्टे वेल।